मित्रों, आप सभी ने भगवान कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी और आप यह भी जानते होंगे कि उन्होंने द्वापर युग के अपने इस अवतार में यहाँ कई पापियों का वध कर उनका उद्धार किया था, तो वहीं कई लोगों को वरदान देकर कृतार्थ भी किया था। इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे कि महाभारत युद्ध के बाद सोते हुए पांडव पुत्रों का वध करने और उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने के अपराध के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सृष्टि के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए एक ऐसे दूसरे श्राप की कथा बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया था। अगर आपने इस प्रसंग के बारे में नहीं सुना तो आइए आज मिलकर जानते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र ने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जिस वजह से उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा ऐसा श्राप मिला। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वरहा पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी, जिनमें से एक निषादराज जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। जामवंत उन्हें गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक है मित्रों, जो रामायण और महाभारत दोनों ही काल में मौजूद थे। पुराणों के अनुसार एक बार दिव्य मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक महाभयंकर युद्ध चला था, और अंत में युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के विष्णु रूप को पहचान लिया, तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का ही नाम सांबा था, जिसे संस्कृत में सांब कहा गया। सांबा का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ था, परंतु देखने में वो इतना सुंदर था कि कृष्ण की कई छोटी रानियां भी उसके प्रति आकृष्ट रहती थी। सांबा की सुंदरता की वजह से एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने लक्ष्मणा का रूप धारण कर सांबा को अपने आलिंगन में भर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पुत्र और रानी के इस कृत्य को जान लिया और श्री कृष्ण इस पर क्रोधित हो गए। सुबह सुबह के पहर उन्होंने सांबा को अपने कक्ष में बुलवाया और क्रोध के वश में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और उसकी मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों का अपहरण हो जाने का श्राप दिया। पिता द्वारा दिए गए इस श्राप से सांबा चिंतित हो उठा और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, पिताश्री, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रात्रि के अंधेरे में मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें अपनी पत्नी समझकर ही मैंने उसके संग आलिंगन किया था। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि पुत्र, श्राप तो वापिस नहीं लिया जा सकता, परंतु इस श्राप से मुक्त होने का एक मार्ग अवश्य है। तब सांबा ने कहा कि पिताजी, कृपया करके मुझे वह मार्ग बताइए। तब श्री कृष्ण सांबा से बोले, तुम तत्काल महर्षि कटक से जाकर मिलो, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएंगे। इसके बाद सांबा वहां से महर्षि कटक से मिलने चल पड़ा। फिर कुछ दिन बाद महर्षि कटक के वहां पहुंचकर सांबा ने उनसे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त हो जाने का मार्ग पूछा। तब महर्षि कटक ने कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सांबा को सूर्य देव की घोर आराधना करने के लिए कहा, जिसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए कहा। तभी से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ही ठीक हो जाता है, और सांबा द्वारा बनवाया गया वह मंदिर आज पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है, जिसे आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान कृष्ण द्वारा अपने ही पुत्र को श्राप दिए जाने का ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।